हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का माउस और कीबोर्ड होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम करने का मजा ना तभी आता है। तो आज मेरे पास है जैबरोनिक्स की तरफ से आने वाले दो फुल साइज वायरलेस कीबोर्ड। एक तो है जैब कॉम्पेनियन 200, माउस और कीबोर्ड का एक पूरा कॉम्बो जो आपको सिर्फ 999 के प्राइस पर देखने को मिल जाता है। और सेकेंड वाला है जैब K5001 MW, जिसको आप करीब 2300 रुपये के प्राइस पर खरीद सकते हो, क्योंकि ये आपको कुछ प्रीमियम फीचर ऑफर करता है। लाइक इस डिवाइस को आप सेम टाइम पर तीन डिवाइस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इन दोनों डिवाइस का फुल रिव्यू करेंगे, जिसको देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना बजट के अकॉर्डिंग कि आपको इस डिवाइस के साथ में जाना चाहिए या फिर इस डिवाइस के साथ। अभी सबसे पहले इनकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है जैब कॉम्पेनियन 200 का बॉक्स पैकेजिंग, जिसमें आपको एक कीबोर्ड देखने को मिलेगा और एक माउस देखने को मिलेगा। और ये जो दूसरा वाला बॉक्स है ना, K501 MW, इसमें आपको मिलेगा मेन डिवाइस, एक QR कोड जिसको स्कैन करके आप इसका यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं, और एक टाइप सी चार्जिंग केबल जिसके थ्रू आप इस कीबोर्ड को चार्ज भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ना, एक इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी के साथ में आता है, जहां से आपको सिंगल चार्ज में अप टू 15 मंथ का जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिलेगा। सो पहले जैब कॉम्पेनियन 200 की बात कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरे वाले की बात करेंगे। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है। अच्छा खासा जोर लगाने के बाद भी ये मुड़ नहीं रहा है, तो काफी सॉलिड क्वालिटी का प्लास्टिक यहां पर इन्होंने यूज किया है। नीचे टॉप में यहां पर बैटरी और नैनो रिसीवर लगाने का ऑप्शन दिया है। सिंगल ट्रिपल ए बैटरी यहां पर आपको परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स के साथ में नहीं आती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी नीचे की तरफ यहां पर रबर पैडिंग दी गई है और हाइट एडजस्टमेंट के लिए यहां पर आपको स्टैंड भी दिया है। वैसे माउस क्वालिटी भी यहाँ पर काफी सही है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज है और ग्रिप भी अच्छी खासी है। तो डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे की तरफ ऑन और ऑफ का बटन है, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे यहाँ पर डबल ए बैटरी आपको लगाने का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ अलग से एक स्पेस है जहाँ इसका नैनो रिसीवर लगा हुआ आता है। आप चाहो तो इसको कीबोर्ड के अंदर भी यूज कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब ये जो माउस है, इसके क्लिक साइलेंट ऑपरेशन के साथ में आते हैं, मतलब ज्यादा वॉइस नहीं आती है। मैं इससे पहले लॉजिटेक का माउस यूज कर रहा था, उसकी आप आवाज सुनो, और आप इस जैबरोनिक्स वाले की आवाज़ सुनो। तो जैबरोनिक्स वाला जो माउस है वो काफ़ी कम आवाज़ करता है। बाकी कीबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर 106 कीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, 12 इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज़ भी है, और रुपए का जो सिंबल है वो भी दिया है। 10 मिलियन के जो क्लिक है वो आपको कीबोर्ड के साथ में मिल जाएंगे, और 5 मिलियन क्लिक आपको माउस के साथ में मिल जाएंगे। कीज़ अगर आप देखोगे तो लेज़र प्रिंटेड चिकलेट स्टाइल में है, राउंडेड ग्रूव्स के साथ में, जिससे टाइपिंग करते टाइम आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैं इससे पहले ना डेल का जो कीबोर्ड है वो यूज़ कर रहा था, उसका टाइपिंग एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है और इसका कुछ ऐसा है। तो जैबरोनिक्स वाला थोड़ी कम आवाज़ करता है। लाइट इंडिकेटर्स की बात करें तो एक तो बैटरी इंडिकेटर है, एक नम लॉक है और एक कैप्स लॉक इंडिकेटर है। वैसे जब आप इसको कनेक्ट करोगे तभी लाइट विजिबल होती है, कीबोर्ड यूज़ नहीं करोगे तो ये जो कीबोर्ड है पावर सेविंग मोड के अंदर भी चला जाता है। बैटरी बैकअप आप मान के चलोगे, जो डेल वाला है उसको मैं 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी भी उसमें बैटरी अवेलेबल है। सिमिलर जो बैटरी बैकअप है वो आपको इसके साथ में भी देखने को मिल जाएगा। बात करें K5001 MW डिवाइस की, तो जैसा कि मैंने बोला था कि डिवाइस आपको प्रीमियम फीचर ऑफर करता है। लाइक यहाँ पर आपको एक इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी देखने को मिलती है, सिंगल चार्ज आपको करना है, उसके बाद अप टू 15 मंथ का जो बैटरी बैकअप है वो आपको इसके साथ में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ इसके साथ में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। ये कीबोर्ड मैकओएस में भी काम करेगा, विंडोज़ में भी काम करेगा और एंड्रॉइड के अंदर भी काम करेगा। तो आप पीसी के साथ में यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप के साथ में यूज़ कर सकते हो, स्मार्टफोन, टैबलेट, इवन आप टीवी के साथ में भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ इस कीबोर्ड को आप अदर तीन डिवाइस के साथ में सेम टाइम पर कनेक्ट कर सकते हो और उनके बीच में स्विच भी कर सकते हो, क्योंकि ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी है। बिल्ड और डिज़ाइन की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, प्लास्टिक बिल्ड है, देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ में आता है और कॉम्पैक्ट साइज़ है। तो पहली चीज़ तो कैरी करना बहुत ही आसान है, बैग वगैरह में डाल के आराम से कहीं लेके जा सकते हो। और दूसरी चीज़, टेबल वगैरह पर अगर आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही कम स्पेस लेता है, फ्लैट सरफेस पर इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे रबर पैडिंग भी दी गई है। इसके साथ ही ऊपर फ्रंट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। इस कीबोर्ड में आपको 99 कीज़ मिलती है, जिसमें 13 फोर्ट कीज़ भी है। कीज़ की क्वालिटी में बोलूँ बहुत ही बढ़िया है, सीजर स्विचेस के साथ में आते हैं और यूवी प्रिंटेड है, तो काफ़ी ड्यूरेबल, और टाइप करते टाइम आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ में करने को। इसके साथ ही डिवाइस के टॉप लेफ्ट में आपको 4 LEDs दी गई है, 3 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को शो करने के लिए और एक लो बैटरी होते टाइम इंडिकेट होती है। इस कीबोर्ड को अगर आप पीसी में यूज़ करते हो तो आपको विंडोज़ की मिलती है, साथ ही साथ मैक में यूज़ करते हो तो आपको अलग से कमांड की का ऑप्शन भी दिया गया है, और कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद यहाँ पर आपको अलग से नम पैड का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है। अब इस डिवाइस को पेयर कैसे करते हैं, तो बस आपको फंक्शन बटन को दबाना है, उसके बाद में ऊपर कुछ ब्लूटूथ बटन्स दिए हैं जिनको आपको कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है, और उनके ऊपर जो लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू हो
जाएगी। तो इस तरह से आप तीनों बटन्स को यूज़ करके तीन डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने टैबलेट को कनेक्ट कर रखा है, साथ ही साथ यहाँ पर फोन को कनेक्ट कर रखा है। अभी मैं टैबलेट के ऊपर टाइप कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। अब मैंने फंक्शन बटन के साथ में BT2 डिवाइस को प्रेस किया और अब मैं फ़ोन के अंदर स्विच हो गया और अब फ़ोन के ऊपर मैं टाइप कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा और आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है कि एक सिंगल बटन के प्रेस से आप मल्टीपल डिवाइस को यूज़ कर सकते हो। तो देखो, दोनों ही कीबोर्ड अपने आप में काफ़ी यूजफुल है। अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिनका नॉर्मल यूज़ है, PC यूज़ करते हो, आपको एक वायरलेस कॉम्बो चाहिए, तो आप 999 के अंदर कैंपेनियन 200 को बाय कर सकते हो। बजट को देखते हुए एकदम बेस्ट क्वालिटी आपको ऑफर करता है। लेकिन अगर आप एक मल्टीटास्किंग वाले यूज़र हो मेरी तरह, लाइक फ़ोन भी यूज़ करते हो, टैबलेट भी यूज़ करते हो, लैपटॉप भी यूज़ करते हो, तो वैसे के अंदर आप इसके साथ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बैटरी बैकअप लॉन्ग लास्टिंग है, एक बार चार्ज करो लंबे टाइम तक चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में ये एक बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है 2299 के प्राइस पॉइंट पर, आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो। दोनों डिवाइस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड है खरीदना चाहते हैं तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस वगैरह ऊपर नीचे होता रहता है तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वैसे गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है तो स्टे ट्यून कर लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।